आप जो ये चारों नन्हे से बछड़े और बछड़ियाँ देख रहे हैं, ये गांव से या परिवार के हॉस्पिटल में इन्होंने इसी हफ्ते जन्म लिया है। इन सभी की कहानी कुछ अलग नहीं है, चारों की कहानी एक दूसरे से मेल खाती है। सबसे पहले मैं खुशी से शुरू करना चाहूँगा। ये बच्ची जो आप मेरी गोद में देख रहे हैं, इसका नाम हमने प्यार से खुशी रखा है। खुशी की जिंदगी खुशी के नाम से बिल्कुल मेल नहीं खाती, क्योंकि इसका नाम तो खुशी है लेकिन इसकी जिंदगी उसके बिल्कुल ओपोजिट साइड दुख भरी है। इसने जन्म बड़ी मुश्किल से लिया, वो तो भगवान का शुक्र है कि हमारे उस समय सेवादार इसकी माँ के पास ही थे। हमें पहले से ही पता था कि शायद आज या कल खुशी जन्म ले सकती है। खुशी की माँ पहले ही कमजोर थी, ऊपर से खुशी आ गई। खुशी की माँ ने अपनी बच्ची को पहला दूध पिलाया और एक डेढ़ घंटे की जिंदगी की लड़ाई से हार गई और गाँव लोग पहुँच गई। अब खुशी की एक नई माँ यहाँ बन गई है। आज जो मेरी जो लेफ्ट साइड गौ माता देख रहे हैं, अब ये खुशी की माँ है। खुशी के बाद आप जो ये बच्ची मेरे बिल्कुल फ्रंट पे देख रहे हैं, इसका नाम हमने काटो रखा है। खुशी तो कहीं ना कहीं स्वस्थ है लेकिन काटो अभी भी थोड़ी कमजोर है। खुशी की तरह ही काटो ने भी अपनी माँ को इसके जन्मदिन वाले दिन ही खोया है। अब काटो की भी यहाँ नई माँ बन गई है। आप जो ये गाय माता मेरे इधर खड़ी देख रहे हैं, अब ये ही काटो की नई माता है। खुशी और काटो के बाद अगर मैं अपने राइट साइड वाले बछड़े पे आऊँ, इसका नाम बोंदू है। बोंदू का जबड़ा इसके मुंह से बिल्कुल अलग हो गया है। बोंदू ने भी अपनी माँ को खुशी और काटो की तरह खोया है। अब बोंदू की भी यहाँ नई माँ बन गई है। जो आप मेरे बगल में ये गौ माता देख रहे हैं, यही अब बोंदू की नई माँ है। बोंदू के बाद अगर मैं बात करूँ, इधर मेरे लेफ्ट साइड जो बछड़ा बैठा है, इसका नाम हमने शिव रखा है। शिव ने शिवरात्रि वाले दिन यहाँ गौ सेवा परिवार के हॉस्पिटल में जन्म लिया। हमारे सेवादार ने सुजेस्ट किया कि इसका नाम हमें शिव ही रखना चाहिए। शिव की कहानी इन तीनों बच्चों से अलग है। शिव ने अपनी माता नहीं खोई है। आप जो गाय माता जी मेरे बगल में देख रहे हैं, यही शिव की माता है। अब चारों बछड़ों में से बोंदू, खुशी और काटो ने अपनी माँ खो दी है, लेकिन शिव की माँ जिसका नाम हमने दूध धारा रखा है, जो इन चारों का ही पेट भर रही है, तो शिव ने अपनी माँ नहीं खोई है। शिव की माँ अभी भी जहाँ गौ सेवा परिवार के हॉस्पिटल में है और ये चारों बछड़ों को ही पाल रही है। अब बात करते हैं मुद्दे की कि इनकी माँ जो बोंदू, काटो और खुशी ने अपनी माँ खोई है, इन्होंने अपनी माँ क्यों खोई। एक्चुअली मेन रीज़न इसके पीछे जो है वो है, जब इनकी माँ पैदा हुई थी, इनकी माँ भी जब इनके जितनी ही थी, उनको प्रॉपर ढंग से दूध नहीं मिल पाया, जिसके कारण उनके इंटरनल ऑर्गन इतने विकसित नहीं थे कि वो प्रेग्नेंट हो पाए। तो उनका ना ही इतना इम्यूनिटी सिस्टम था कि वो अपने बच्चे को दूध दे पाए, तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी से हार मान ली और गाँव लोग पहुँच गए।